सुखवीर को बचपन में चेचक निकल आई, जिससे उसके चेहरे पर बहुत सारे गड्ढे जैसे निशान बन गए। लोग उसका चेहरा देखकर घिन मानते थे। बड़े होकर भी उसे संघर्ष करना पड़ा। वह रिक्शा चलाता था, बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी दुनिया भर के दुख उसके हिस्से में ही आए। एक तो भगवान ने चार चार बेटियां दे दी और ऊपर से रिक्शे की कमाई भी न के बराबर होती थी। अब बेचारा करे तो क्या करे। एक दिन सुखवीर की पत्नी चंद्रा बोली, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, घर बैठे तो भरे खजाने भी खाली हो जाते हैं। अरे गणपति हमारी जरूर सुनेंगे चंद्रा, थोड़ा सब्र कर। गणपति ने आज तक नहीं सुनी तो आगे क्या सुनेंगे, अगर सुनते तो हमारी छाती पर चार चार बेटियां नहीं बैठी होती। तू चुप रह चंद्रा, ऐसी बात मत कर। अरे मैं इस चेहरे का क्या करूं, मेरा चेहरा देखकर सवारी मेरे पास आती ही नहीं है और कोई काम भी नहीं मिलता, करूं तो क्या करूं। गणेश चतुर्थी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे घर का खर्च चल रहा है, ऐसे में गणपति कैसे नाराज नहीं होंगे। मैं अपने गणपति को खुद मना लूंगा, और रही बात चतुर्थी की, तो दिन में चार सवारी भी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सुखबीर ने गणेश चतुर्थी मनाने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे तो राशन खरीद लिया। अब वह रोज सवारी के इंतजार में बैठा रहता। सुखवीर गर्मी में पसीना पोंछते हुए बोला, आज तो एक भी सवारी नहीं मिली। हे गणपति बप्पा, अगर आज मैं घर पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी बच्चियां भूखी रह जाएंगी। कुछ तो दया करो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। ओ रिक्शे वाले भैया, सब्जी मंडी तक चलोगे? आओ आओ बहन जी, मैं छोड़ देता हूँ। कितने पैसे लोगे? आज सुखवीर के घर का राशन खत्म हो चुका था। आज तो वह कम पैसे में भी सवारी ले जाने के लिए तैयार था। बहन जी जितने दे दोगी उतने ले लूंगा। सब्जी मंडी में उतरकर उस औरत ने उसे 10 रुपए दिए। 10 रुपए हाथ में लेकर वह सोचने लगा, अब इन पैसों से मैं सब्जी खरीदूं या आटा। घर पर पहुंचते ही चंद्रा चार बातें सुनाएगी वो अलग। शाम को सुखवीर मुंह लटकाए हुए घर में घुसा, देखते ही चंद्रा का माथा ठनक गया। वह बोली, लगता है आज भी खाली हाथ आए हो, खुद का तो देख लूं पर इन बच्चियों को क्या खिलाऊंगी। लगता है गणपति बप्पा मेरा इम्तिहान ले रहे हैं चंद्रा, आज पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए कमाए हैं, जिस काम में हाथ डालता हूं वही बिगड़ने लगता है, शायद मैं ही पनौती हूं। चलो अब ज्यादा जी छोटा मत करो, थोड़े दाल चावल रखे हैं, आज खिचड़ी ही बना दूंगी। सुखवीर रात भर सोचता रहा, आगे क्या होगा, बिना पैसे कैसे बच्चों का पेट भरूंगा और कैसे गणेश जी की मूर्ति लाऊं। गणेश जी की मूर्ति स्थापना का दिन भी आ गया। कुछ पैसे गल्ले से निकालकर वो मूर्ति भी ले आए, मगर रात में ही बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। भगवान मरते में 2 लात और मारते हैं, एक तो वैसे ही दिन बुरे चल रहे हैं, ऊपर से ये बिंदिया बीमार हो गई है। तुम्हारे रिक्शा चलाने से अच्छा तो भीख ही मांग लो तो ज्यादा अच्छा, आज तुम्हारी शक्ल ठीक होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। सुखवीर को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस जीवन को ही खत्म कर दूं, अब और नहीं सहा जाता। सबके सोने के बाद वह कमरे में गया और पंखे में रस्सी बांधने लगा। पार्वती जी गणेश जी से बोली, हे पुत्र, सुखवीर तुम्हारी इतनी भक्ति करता है, फिर उसको इतना क्यों सता रहे हो कि वह आज जीवन खत्म करने जा रहा है। उसे रोक लो पुत्र, मैं ये अनिष्ट नहीं देख पा रही हूँ। चिंता मत करो माते, वो मेरा प्रिय भक्त है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सुखवीर अपनी जीवन लीला समाप्त करने ही चला था कि गणेश जी ने एक बूढ़ा आदमी बनकर बहुत तेज दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। अरे कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो। सुखवीर रस्सी छोड़कर बाहर आया और पूछा, तुम कौन हो बाबा, और इतनी रात गए क्या काम है? मेरे बेटे ने मुझे मार पीट करके घर से भगा दिया, कई जगह शरण मांगी लेकिन सबने भगा दिया। 2 दिन से भूखा प्यासा हूं, यहां तक कि मेरे कपड़े भी फाड़ दिए,
अब मैं बूढ़ा आदमी इतनी रात कहाँ जाऊं? अगले गांव में मेरा दूसरा घर है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे? कैसा बेटा है आपका बाबा जो आपके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया? आप चिंता मत करो, मैं छोड़ दूंगा। आप रिक्शे में बैठो, मैं भी आता हूँ। सुखवीर अंदर गया। उसने देखा कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उसने गणपति के सामने रखे हुए दो मोदक उठाए और एक चादर लेकर बाहर आ गया। बाबा, ये चादर ओढ़ लो और ये मोदक खा लो। फिलहाल घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, इन मोदकों में तो मैं दो दिन गुजार सकता हूँ। रात में सुखवीर बूढ़े आदमी को रिक्शे में लेकर दूसरे गांव पहुंचा। बस बेटा, रिक्शा यहीं रोक दो बेटा, यही सामने मेरी झोपड़ी है। बाबा, किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना। पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से किसी काम आ जाऊं तो याद कर लेना। मुझे माफ कर देना बेटा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि गणपति विसर्जन तक मैं कुछ कमा सकूं, जिससे अपने बप्पा की विदाई मैं अच्छे से कर सकूं। ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारे घर में धन संपत्ति का भंडार हो, तुम्हें एक तेजस्वी यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, तुम्हें रंग रूप और सौहार्द मिले। जिस दया भाव से आज तुमने मेरी मदद की है, उसी तरह तुम सबकी मदद करो। सुखवीर वापस आ गया। घर आकर उसने पंखे में बंधी रस्सी खोल दी और मरने का विचार त्याग दिया। सुबह जब चंद्रा की आंख खुली तो वह जोर से चिल्लाई, बिंदिया के पापा, उठो, आंखें खोलो। सुखवीर हड़बड़ाहट में उठा और देखा कि चंद्रा गहनों से लदी खड़ी है। उसके शरीर पर रेशमी साड़ी है। उसका घर एक बंगला बना हुआ है। चंद्रा ने हैरानी से सुखवीर को देखते हुए कहा, अरे ये देखो, आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है। सुखवीर दौड़ा हुआ गणेश जी के सामने गया और उनके चरण पकड़कर बोला, हे गजानन, ये तुम्हारा कैसा चमत्कार है जो रातों रात मेरी तकदीर बदल दी। मैं अल्लड़ बुद्धि तुम्हारी लीला नहीं समझ पा रहा, मुझे दर्शन दो गणपति बप्पा। इतना कहते ही गणेश जी प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी साधना और लगन से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने बुरे समय में भी मेरी प्रतिमा की स्थापना की, यहां तक कि बीमार बच्ची की दवाई के लिए पैसे नहीं थे और तुमने मुझे मोदक खिलाए। तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। रात जब तुम फांसी पर लटकने वाले थे, तब तुम्हारे जीवन की रक्षा करने मैं ही बूढ़ा बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आया था। आज के बाद तुम पर कोई विपदा नहीं आएगी। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद चंद्रा को एक बेटा हुआ। सुखवीर अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। सुनो जी, अब तो हमारे पास गणपति बप्पा का दिया सब कुछ है। अब ये रिक्शा बेच दीजिए और गाड़ी खरीद लीजिए। अरे ये क्या कह रही है चंद्रा? अरे ये रिक्शा नहीं, मेरे लिए गणेश जी का वाहन है। इस रिक्शे में गणपति जी ने बैठकर सवारी की थी, ना जाने दोबारा वो फिर से किसी रूप में सवारी करने आ जाए। अब मैं और रिक्शे खरीदूंगा और अपने जैसे जरूरतमंदों को किराए पर देकर उनकी मदद करूंगा। उससे मुझे कुछ आमदनी भी हो जाएगी और जो रिक्शा खरीद नहीं सकते उनकी मदद भी हो जाएगी। सुखवीर ने रिक्शे का गैराज खोल लिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।